अल वफा न्यूज़ रहे खबरों से बाखबर। मौजूद आर्ट कौंसिल कराची में, जहां एनुअल म्यूजिकल इवेंट जारी है, जिसमें कौन कौन फनकार हैं शरीक, चले देखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हुमा मीर। आप जरा बताएं कि आप तो आर्ट कौंसिल की बॉडी में भी हैं, तो कितनी बेहतरी होगी। 19 अभी कॉन्फ्रेंस चल रहा है, तो आज और इससे पहले कितनी बेहतरी आपको लगती है कि म्यूजिक में आप आ चुकी है? और पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस की मैं मेम्बर हूँ। जब ये बनी थी तो इनिशिएटिव जब ये बनी थी तो मैं उस वक्त इसकी लाइफ मेंबर बनी थी। मुझे बहुत म्यूज़िक से लगाव है, मैं लाइक करती हूँ म्यूज़िक को। और ये APMC का कमाल ये कि जो हमारे क्लासिकल म्यूज़िक हैं इसको बहुत प्रमोट करते हैं, तो इनके जो इवेंट्स भी होते हैं ज़्यादा आप देखें तो जो हमारी मशरक़ी मौसीकी है वो हमें रंग इसमें नज़र आता है, और बड़ा एक सोलफुल इवेंट होता है। आज यहाँ आर्ट्स काउंसिल में इनका हो रहा है तो बहुत अच्छा है। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। और हमें आपको ये क्या काम चल रहे हैं अभी न्यू जो म्यूज़िक के ऊपर जो बेहतरी और लाएंगे? किसके? इसी म्यूज़िक इंडस्ट्री में जो आपके हैं। जी हाँ, म्यूज़िक तो देखें एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है, और हर चीज़ आप देखें कि रिदम में है। आपकी हार्ट बीट भी एक ख़ास रिदम में, उसकी रिदम आउट हो जाए तो आप बीमार हो जाते हैं। आपकी सांस, आपकी ब्लड सर्कुलेशन, एवरीथिंग इज़ इन रिदम। सो अच्छी बात ये कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो बहुत म्यूज़िक की तरफ उनका लगाव बढ़ रहा है, विच इज़ रियली वेरी गुड। और हमारे आर्ट्स काउंसिल में जो म्यूज़िक एकेडमी है उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो अब जा रहे हैं बाहर, कराची से बाहर, इवन पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं परफॉर्म करने के लिए, जिनको देख के मुझे बहुत खुशी होती है। तो आई एम वेरी होपफुल फॉर द फ्यूचर। अस्सलाम जी, आपका नाम? राबिया। राबिया, आप ज़रा बताएं इस कॉन्फ्रेंस के बारे, इस म्यूज़िकल के बारे, तो क्या कुछ आप बता सकें? नहीं, एक्चुअली अब कोविड की वजह से काफ़ी कम होना शुरू हो गए थे ना ये सारे म्यूज़िकल प्रोग्राम्स वगैरह, तो अभी भी जब आप देखते हैं तो लगता है कि लोगों को अभी पता नहीं है कि अब बाकी यू नो वापस ये आ रहे हैं प्रोग्राम्स वगैरह। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई है क्योंकि मुझे तो बहुत काफ़ी दिलचस्पी है क्लासिकल म्यूज़िक में। जी, आपका नाम? प्रियंका। प्रियंका, आपको क्या लगता है कि जो अभी कॉन्फ्रेंस हो रही है तो इसके ये इसको मतलब 19 ईयर हो चुके हैं, तो अब कितनी बेहतरी आ चुकी है? जी बिल्कुल, मैं एक छोटे आंसर में आपको जवाब देना चाहूँगी। पहले यंगस्टर्स इन्वॉल्व नहीं होते थे, अब यंगस्टर्स पे इन्वॉल्व होना स्टार्ट किया है, तो इट मीन्स कि जो हमारे इवेंट है ना पॉजिटिव रिस्पॉन्ड आ रहा है। पहले यंगस्टर्स का रिस्पॉन्ड नहीं आता था, when I run to email, when I have dropped the SMS, now the youngsters will contact and asking regarding the event. हम थे आर्ट कौंसिल कराची में, जहां फनकारों ने अपने फ़न का मुजाहरा किया, जिन्हें देखने के लिए आवाम की खासी तादाद मौजूद थी। कैमरामैन कासिम के साथ सारस, अल वफा न्यूज़ कराची। अल वफा न्यूज़ रहे खबरों से बाखबर।